नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम चेसिस के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। चेसिस का वर्गीकरण, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चेसिस का वर्गीकरण इंजन की फिटिंग के अनुसार चेसिस के वर्गीकरण को दर्शाया गया है। हम एक एक करके चेसिस के प्रत्येक प्रकार के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पूर्ण आगे चेसिस यानी फुल फॉरवर्ड चेसिस। इस प्रकार की चेसिस में इंजन हमेशा ड्राइवर के कैबिन या सीट के बाहर लगा होता है। इस प्रकार की चेसिस कारों व पुराने टाटा के ट्रकों में देखने को मिलती है। और इस चेसिस की एक एक नुकसानदायक बात यह है कि यह चेसिस ड्राइवर को आगे के दृश्य को देखने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्ध आगे चेसिस। अर्ध आगे चेसिस का मतलब होता है सेमी फॉरवर्ड चेसिस। सेमी फॉरवर्ड चेसिस में इंजन का आधा भाग ड्राइवर कैबिन व इंजन का आधा भाग ड्राइवर कैबिन से बाहर होता है। इस प्रकार की चेसिस का प्रयोग स्टैंडर्ड बैकपोर्ट पिकअप में किया जाता है और यह चेसिस चालक को बेहतर दृश्य प्रदान करती है। आइए हम उसके बाद बात करते हैं बस चेसिस के बारे में। बच्चों, बस चेसिस होती क्या है? इस प्रकार की चेसिस में इंजन पूर्ण रूप से यानी कि इंजन पूरा ड्राइवर के केबिन के अंदर फिट होता है और इस चेसिस के में ड्राइवर सीट हमेशा बस के अगले पहिए के ठीक ऊपर होती है और यह चेसिस भी ड्राइवर को रोड का साफ दृश्य देखने में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सामने इंजन चेसिस यानी कि इंजन इन फ्रंट ऑफ चेसिस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार की जो चेसिस होती है उसमें इंजन को चेसिस के अगले आगे वाले भाग में लगाया जाता है और इसमें आगे वाले पहियों को यानी कि इसमें आगे वाले पहिए हमेशा वर्किंग में रहते हैं। इस प्रकार की चेसिस को मेटाडोर में प्रयोग किया जाता था। प्यारे बच्चों, हम आगे बात करते हैं केंद्र पर इंजन। केंद्र पर इंजन यानी इंजन इन सेंटर। इस प्रकार की चेसिस में इंजन हमेशा वाहन के सेंटर में लगा होता है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ इंजन इन रियर साइड यानी कि इंजन चेसिस के बैक साइड में फिट होता है। इस प्रकार की चेसिस हमेशा अशोक लेलैंड की बसों में प्रयोग की जाती है। इस प्रकार की चेसिस में हम प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक बात आपको समझ आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।